एक्चुअल में गाइस जो ये सिलेंडर है ना, ये जीप का व्हील सिलेंडर है, ये यहाँ का जो पार्ट होता है ये यहाँ वेल्ड करके लगाना है हमें, और इससे हम काट लेंगे इसको यहाँ से। सो गाइस इस तरह हैंड ग्राइंडर से इस पीस को हमें काट के अलग कर देना है, और अब हमें क्या करना है, हमें इसके सरफेस को साफ करना है ग्राइंडर से। सो गाइस जब बिल्कुल सरफेस क्लीन हो जाए तो बीच में जो ये दो होल है इनको आप वेल्डिंग से बंद करवा दें ताकि लीक ना करे, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको भी हमें सरफेस को क्लीन करना है ताकि वेल्डिंग में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि इसको हमें फ्रंट पे वेल्ड करना है। सो गाइस आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो गया है, इस पीस को इसके ऊपर रखना है यहाँ पे और वेल्ड करवा देना पीतल का, तो सिलेंडर हमारा लगभग तैयार हो गया है, ठीक है। सो गाइज अब आ जाते हैं इसके हेड के ऊपर, तो इसका हेड देख सकते हो आप, ये सीधा एक पाइप है और एक पाइप यहाँ लगा हुआ है और एक पाइप यहाँ है। मैं आपको ज़रा मार्क से दिखा देता हूँ ताकि आप आसानी से समझो, ये पाइप सीधा आ रहा है हमारा और यहाँ पे होल है और एक यहाँ पे होल है, इस तरीके से यहाँ पे दो पाइप को मैंने ऊपर से इस तरह वेल्ड करा दिया पीतल का, ठीक है। अभी वेल्डिंग करते टाइम आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ लोगे, ये दो पाइप को हम वेल्ड करा रहे हैं एक बड़े पाइप के ऊपर, ठीक इस तरीके से ये बना हुआ है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। और उसके आगे की तरफ मैंने दो नट को वेल्ड कराया है, ठीक। सो गाइस तैयार हो गए, कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, दो पाइप लगे हुए हैं और ऊपर मैंने दो नट वेल्ड कराए हैं, जो वाल बॉडी होती है ना ट्यूब में लगी हुई ये वाली, इसके ऊपर नट होते हैं, वो नट मैंने यहाँ वेल्ड करा दिए हैं सिंपल तरीके से वेल्ड करा के। अब इसके ऊपर इसकी चूड़ियाँ चढ़ जाएंगी आराम से, ठीक। ये वाला जो निपल है ये इसके अंदर ही लगा होता है आगे, इसके साथ ही मिल जाएगा आपको, तो इसको मैंने यहाँ टाइट कर दिया, वेल्ड करा दिया सॉरी, और इसको फिर हम हेड के ऊपर लगा सकते हैं, चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं और यहाँ पर वाल लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर नट लगे हुए हैं, ठीक है। सो गाइस अब वाल सिस्टम समझ लो, ये वाल सिस्टम एक तरफ से पुश होता है, इस तरफ से पुश होता है ये, तो इसका जो खाली वाला हिस्सा है इसे चूड़ियों में अंदर की तरफ डाल देंगे हम, और जो पुश वाला हिस्सा है उसे बाहर की तरफ रखेंगे ताकि मैकेनिज्म इसको दबा सके। इसको दबाने के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए वो है केम सिस्टम, ये कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो ज़्यादा। तो हेड आपके समझ में आ चुका होगा, उसके बाद बस हमें इसको पेंट करना है, और पेंट करने के बाद इसको हमें अटैच करके और इसके ऊपर हमें वापस से वाल्व लगा लें, ठीक है। ये वाल्व हो गए दोनों हमारे, इसके ऊपर नट भी देख सकते हो आप, इसको बारी बारी आपको इसके ऊपर बस चढ़ाना है, ये वाला हिस्सा आगे की तरफ रखना है, बस ये ध्यान रहे, ठीक है। और इसको चढ़ा दें और एडजस्ट कर लें उस हिसाब से जहाँ पे आपकी केम। तो आप यहाँ देख सकते हो ऊपर से नट लगा के मैंने इसको चकनट कर दिया ताकि ये मजबूत हो जाए। पूरी डिटेल में इसको देखना है किस तरह फिक्स हुआ, तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हो डिटेल में। सो गाइस अब आ जाते हैं इसकी क्रैंक के ऊपर, तो ये क्रैंक मैंने ली है वो जो पैडल वाली मशीन होती है ना, सिलाई मशीन पैडल वाली, वो पैडल वाली मशीन की एक क्रैंक है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक बोल्ट जो है ये इधर लगवा लिया, यहाँ वेल्ड करवा दिया, और एक मैंने वेल्ड करा दिया यहाँ पे। इसके एक साइड में फ्लाई व्हील और दूसरे साइड में गियर अटैच होंगे, तो आप यहाँ देख सकते हो किस तरीके से ये वेल्ड होगा, ठीक है गाइस। अब यहाँ आप देख सकते हो इस बोल्ट के ऊपर ये गियर अटैच हुआ हुआ है, और ये जो रॉड है, जो कनेक्टेड रॉड है पिस्टन को कनेक्ट करने वाली, ये मिलेगी आपको इसके साथ ही, और ये रॉड बहुत सिंपल तरीके से अटैच हो जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको खोल के किस तरीके से है ये। सो गाइस ये पिस्टन आप देख सकते हो, ये जो रॉड है आगे से ऐसे गोल होती है जो इसके अंदर लगी है ना लट्टू की तरह, और इसके आगे जो नट है जो लगा हुआ है इसमें वेल्ड हुआ है पिस्टन के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा नट है, ये नट भी इसके साथ ही आता है। तो ये जो नट है इसको हमें पिस्टन पर इस तरीके से वेल्ड करा देना, आप देख लीजिए इस तरीके से ईजिली पिस्टन बनवा के और उसके ऊपर हमें ये वेल्ड कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर का जो चकनट वाला नट होता है इसके उसके ऊपर टाइट कर देना है रॉड डाल के, सिंपल। पिस्टन को सिलेंडर में डालना है और पीछे वाले जो नट का हिस्सा होता है इसको हमें क्रैंक से अटैच कर देना है। तो ये अब रेडी है, क्रैंक, कनेक्टेड रॉड, ये सब चीज़ें हमें साथ में मिल गई। हाँ पिस्टन हमने बनवाया था खैरात के ऊपर, 150 रुपये लिए थे, अगर आप पाइप पाइप का बनवा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो पैसे ले लेगा। अब आ जाते हैं इसके ये जो गाइड वगैरह सिस्टम है, ये वाला गाइड सिस्टम, इस गाइड सिस्टम को किस तरीके से बनाना है, ये एलुमिनियम की रॉड है जो वेल्डिंग वाले के यहाँ मिल जाएंगी, जिसके आप वेल्डिंग कराओगे उनको काट के उसके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जहाँ पे केम का आपका सही हिसाब बैठ रहा हो। सो गाइस ये गरारी मैंने खैरात में बनवाई थी 150 रुपये की, लेकिन आप चाहो तो प्लास्टिक की भी लगा सकते हो, जो मैंने पिछले इंजन के अंदर लगाई थी अपने प्लास्टिक की गरारी लगाई थी, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वीडियो को, वहाँ से जाकर आपको पता चल जाएगा कैसे ली थी क्या था, ठीक है। और ये जो गरारी है ये गरारी का रेशो होता है 1:1, यानी अगर 1 का दांत 10 है तो दूसरे का 20 होगा। सो गाइस अब आते हैं केम पे, ये लकड़ी की केम मैंने बनाई थी पिछले इंजन में, इसको भी जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन मैं लोहे की बनानी बता देता हूँ आपको। ये सिलाई मशीन की केम है, सिलाई मशीन वालों के यहाँ मिल जाएगी, उनको दिखाओगे स्क्रीनशॉट दे देंगे। इस तरीके से यहाँ से काटना है एक पीस और एक पीस दूसरे साइड से काटना है, तो ये वी शेप में कट जाएगा। उसके बाद घुमा के इसको ऊपर से काट देना है दोनों साइड से, ये दोनों साइड कट हो गए, अब इसका वी शेप आ गया निकल के,
उसके बाद हमें क्या करना है, इसको ग्राइंडर के ऊपर हल्के हल्के रफ करना है ताकि इसकी शेप स्मूथ हो जाए। तो केम जो होती है वी शेप की होती है, इस तरीके से ये वी शेप का स्मूथ पीस निकल जाएगा। और उसके बाद इसका पीछे बचेगा जो टुकड़ा है उसको हम काट के अलग कर देंगे, इस तरह हमारी केम निकल जाएगी अलग। ठीक है, चाहे तो आप इसको इसी के साथ लगा सकते हो। ठीक, सो गाइस इस तरीके से केम हमारी इस गरारी के साथ अटैच हो जाएगी। तो आप इसको देख सकते हो, इसके असेंबलिंग का वीडियो मैंने, इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको इसका टाइमिंग समझा देता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो केम है ये जब इसको सक्शन करेंगे इसको दबाएगी और वहाँ से हमें एयर मिल जाएगी। ठीक है, अंदर सिलेंडर में जाएगी, उसके बाद जब ये इसको इधर से लाएगी तो दोनों वाल बंद रहेंगे और ये इसको दबाएगी। ठीक है, ये दोनों ढीले हैं वाल, अब कोई केम किसी को नहीं दबा रही और ये हवा को कंप्रेस करेगा। ठीक, ये बिल्कुल लूज रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कोई केम इसको टच नहीं कर रही, अब ये कंप्रेस कर रहा है एयर को और इसने हवा को पूरी तरह कंप्रेस कर दिया। अब वहाँ पे कंबस्चन होगा। कैसे होगा कंबस्चन, जैसे ये 18 डिग्री 12 डिग्री ऊपर आएगा तो ये बटन दब जाएगा ये वाले पीस से। इसको इस तरह एडजस्ट करना है आपको कि ये बटन 12 डिग्री पे दब जाए। ये स्पार्क करेगा अंदर और स्पार्क करने के बाद कंबस्चन होगा उसमें और ये पीछे की तरफ धकेल देगा इसको। उसके बाद क्या होगा, जब ये क्रैंक इस जगह आएगी पीछे की तरफ तो ये वाला गाइड जो है दबेगा और धुआं यानी गैसेस जो इसके अंदर है वो गैसेस बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से ये पिस्टन गैसेस को बाहर निकाल देगा क्योंकि केम अब इसको दबा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा, बहुत सिंपल है, और सारी गैस बाहर निकल जाएगी और इसके बाद ये दोबारा साइकिल शुरू हो जाएगा। ठीक, सो गाइस अब आते हैं हम इसके कॉयल के ऊपर, कॉयल के कनेक्शन किस तरह होंगे। तो आप देख सकते हो एक बटन लगा रखा है मैंने पुशेबल, इसके अंदर दो वायर लगे हुए हैं। ठीक है, वो दोनों वायर नीचे से आ रहे हैं। इसका ब्लैक वाला वायर जो हमें निगेटिव बैटरी में जोड़ देना है, प्लस यहाँ पे एक तार हमें इसका यहाँ पे निगेटिव में जोड़ देना है। इस पर निगेटिव पॉजिटिव के निशान होते हैं तो निगेटिव तार एक इस पर जोड़ देना है। एक रेड वाला जो तार है ये प्लस में जोड़ देना है और ये बैटरी में लग जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ये कंडेंसर का जो लाल वाला तार है ये पॉजिटिव में और जो इसकी बॉडी है ये निगेटिव के अंदर जोड़ देनी है। प्लस फिर ये जो निगेटिव है इससे एक निगेटिव वाइट वायर ले रखा है मैंने, इसको हमें बॉडी के अंदर सिलेंडर से कहीं पर भी टच कर देना ताकि इसको अर्थ मिल जाए, ग्राउंड मिल जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कनेक्शन है। तो ये ब्लैक वाला तार जो है निगेटिव का है और ये रेड वाला यहाँ से पॉजिटिव बैटरी में जुड़ जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा ये लीड बची आगे, इस लीड को हमें आगे स्पार्क प्लग से अटैच कर देना है और जैसे ही बटन दबेगा वैसे इसमें स्पार्क होगा। सिंपल है बिल्कुल। सो गाइज आई होप आपके सभी कुछ समझ में आ गया होगा, मैंने सारी चीज़ें बता दी आपको किस तरीके से ये पार्ट मैंने बनाए हैं। सो गाइज जल्दी मैं इसका एक छोटा मिनी कार्बोरेटर बनाऊंगा और जैसा आप मुझसे कह रहे हो कि फ्रिज के कंप्रेशर से टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन बनाओ, तो मैं टू स्ट्रोक भी बनाऊंगा और फोर स्ट्रोक भी बनाऊंगा और बहुत अच्छे से बनाऊंगा उसको। ठीक है, तो अभी हम इसको चला के देख लेते हैं। ऑलराइट गाइज, तो इसका असेंबलिंग का पूरा वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है किस तरीके से असेंबल हुआ था पॉइंट टू द पॉइंट, आप वहां से जाके देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना के ला रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।